हेलो बच्चों, वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 कैलकुलस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9 का है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 से लेकर के 16 तक हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। हम दावा करते हैं 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। अब वीडियो जो ना पूरा देखिए। वीडियो क्या होता है कि आप थोड़ा सा देखते हैं, उसको स्किप कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको आगे बनाने में, ठीक है ना। और कैलकुलस क्या है ना, हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए कहता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन साइन टू एक्स अपॉन फाइव, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। क्वेश्चन कहता है एक के का वैल्यू निकालिए कब, जब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस है तब क्या करना है आपको, के का वैल्यू निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, या तो एल एच एल या आर एच एल दोनों में से कोई एक ही निकालिएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होगा तो एल एच एल आर एच एल का मान डेफिनेटली सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, पहले आपके पास ये वाला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन टू एक्स और अपॉन कितना इधर से फाइव एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसी पे एल एच एल और आर एच एल इसी पे निकलेगा, तो हम चलो हम निकालते हैं इस पे आर एच एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर एच एल। आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पे बोल रहा है तो फंक्शन क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जीरो प्लस एच हो जाएगा। चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो अपनी जगह सही है, यहाँ साइन टू भी सही है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच। यहाँ फाइव अपनी जगह सही है, एक्स की जगह लिखेंगे जीरो प्लस एच। समझ में आ रहा है। चलो लिमिट एस टेंस टू जीरो ठीक है अपने जगह पर, यहाँ साइन, यहाँ तो क्या हो जाएगा सिर्फ टू एच हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा फाइव एच हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है लिमिट का, लिमिट का फॉर्मूला कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहेंगे, साइन एक्स बोलेगा कि भाई जो हमारा एंगल है ना उसी से डिवाइड लगना चाहिए, तो वैल्यू कितना होता है वन। अगर थीटा होगा तो थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइड रहना चाहिए। अगर टू एक्स रहेगा तो टू एक्स से डिवाइड होना चाहिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा वन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ 2h है तो नीचे में 2h चाहिए, तो देखो 2h कैसे लाएंगे, देखो साइन 2h रहने दो, नीचे में h तो सही है क्योंकि h तो चाहिए ना, ज़रूरत क्या आप किस का पड़ेगा, 2 का पड़ेगा, तो यहाँ 2h रख दिए और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए, इस 5 को हम यहाँ आगे हटा करके लिख दिए, ठीक है ना। ये वाला पूरा फार्मूला से कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पूरा फार्मूला से कितना हो जाएगा वन, तो वन इंटू टू अपॉइंट फाइव, तो ये कितना हो जाएगा टू अपॉइंट फाइव, ये क्या निकला आपका आर एच एल। अब क्वेश्चन कहता है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर देखो इफ एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस, इसका मतलब एल एच एल बराबर कौन सा आर एच एल। अब बराबर में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू क्या है जीरो के बराबर, एफ एक्स बराबर क्या है के है, तो यहाँ देखो एफ एक्स बराबर यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू के, कब जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तब तक एक्स की जगह जीरो पर दिया, क्या हो गया तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर कौन सा होता है जो उस पॉइंट पे निकालते हैं वो, तो एल एच एल आर एच एल दोनों तो सेम रहेगा, तो एल एच एल की जगह पर भी क्या टू बट्टा फाइव और यहाँ भी टू बट्टा फाइव, इधर कितना है आपके पास के है, ये दोनों क्या है के इक्वल है, तो इसीलिए के बराबर यहाँ से टू अपॉइंट फाइव लिख सकते हैं, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि एल एच एल या आर एच एल दोनों में से कोई एक ही निकालिएगा, दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस वन इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या कहता है लेमडा का वैल्यू निकाले, या लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। या नहीं तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। बस इससे मतलब तीनों केस में आपको क्या समझना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है, मतलब ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा तो लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे हम, सिर्फ आर एच एल या एल एच एल दोनों में से कोई एक निकालेंगे, उसके बाद इक्वल टू वाला निकालेंगे, ठीक है ना। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर x बराबर माइनस वन पे कहेगा, तो एक बार थोड़ा सा लेफ्ट में पुट करके देखो, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, माइनस वन का स्क्वायर टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री, और नीचे में कितना x, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस वन और इधर प्लस वन, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा वन प्लस टू माइनस थ्री, यहाँ हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, कट गया
मतलब हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो। तो लिमिट में क्या होता है, जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ये मीनिंगलेस होता है। अगर इस तरह का अगर आ जाता है तो पहले इस क्वेश्चन को जो दिया रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है ना। चलो इसका फैक्टर तोड़ो तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स और प्लस एक्स माइनस थ्री और नीचे एक्स प्लस वन हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से एफ एक्स इजकोस टू ये दोनों में से एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन। आपके पास यहाँ से एफ एक्स इजकोस टू ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इन टू कितना एक्स माइनस थ्री और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये कट गया, अब क्या बचा यहाँ पर एफ एक्स इजकोस टू एक्स माइनस थ्री बचा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एल एच एल और आर एच एल दोनों में से कोई एक पुट करेंगे तो एल एच एल में क्या हो जाएगा आपका निगेटिव का थोड़ा सा उसमें क्या होता है कैलकुलेशन आ जाता है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा आर एच एल निकाले। तो आर एच एल इजकोस टू क्या फार्मूला बनेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस वन भी पूछ रहा है तो माइनस वन और प्लस एच, एक स्टेप और लिखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स की जगह माइनस वन प्लस एच रखिए तो माइनस वन और प्लस एच और ये वाला माइनस थ्री बाहर में है इसको रख दीजिए, एच की जगह जीरो पुट कीजिए तो माइनस वन प्लस जीरो माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री ये कितना हो जाएगा माइनस फोर हो गया, ठीक है ना। अब आर एच एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे लैम्डा, क्या लिखेंगे लैम्डा, एक्स का वैल्यू कितना सॉरी माइनस वन पे एक्स का वैल्यू कितना माइनस वन तो एक्स की जगह माइनस वन पुट कीजिए, यहाँ पर कितना लैम्डा। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे एफ एक्स इज क्या है कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार एफ एक्स क्या है आपका कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एल एच एल बराबर कौन सा आर एच एल बराबर कौन सा एफ, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो, तो एल एच एल आर एच एल माइनस फोर है तो एल एच एल भी डेफिनेटली इतना ही माइनस फोर ही होगा, तो माइनस फोर और बराबर लेमडा, तो वही दोनों बराबर है ना, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर से माइनस फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा लेमडा का वैल्यू एक मिनट इसको सही से लिखो माइनस फोर और यही आपके पास आंसर होगा। तो समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है फोर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी एक्स बराबर टू पर ये फंक्शन जो है ना के किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात अब देखो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इधर देखो क्या है ये एक्स की तरफ मुंह बंद है इस पर लगेगा एल एच एल, इस पर मुंह फाड़े हुआ है इस पर क्या लगेगा आर एच एल, अरे समझ आ रहा है। चलो देखो अब हम पहले इसको लिखेंगे यहाँ से एफ एक्स इजक्वल टू कितना टू एक्स प्लस वन, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो लिमिट, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे हम एल एच एल लिखेंगे, एल एच एल के लिए क्या फॉर्मूला लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ कितना टू माइनस एच, तो लिमिट अपने जगह सही है एस टेंस टू जीरो सही है, इस एक्स के जगह टू माइनस एच पुट कर दो टू बाहर में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो प्लस वन, अब एच के जगह क्या पुट करेंगे जीरो तो टू माइनस जीरो और प्लस वन, यहाँ कितना हो जाएगा फोर प्लस वन ये कितना हो जाएगा फाइव, ठीक है। देखो आर एच एल भी इतना ही निकलेगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब क्या कर दो आर एच एल किस में अप्लाई होगा इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स की तरफ मुँह ओपन है थ्री एक्स माइनस वन, तो आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला निकालेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ कितना टू प्लस एच, यहाँ लिमिट एस टेंस टू जीरो तो सही है ठीक है ना। अब यहाँ पर थ्री तो सही है, अब एक्स की जगह कितना टू प्लस एच रखेंगे या माइनस वन, अब यहाँ थ्री सही है एच का वैल्यू जीरो पुट कर दो सॉरी यहाँ माइनस वन होगा, ये कितना हो जाएगा सिक्स माइनस वन ये कितना हो जाएगा फाइव। देखो एल एच एल आर एच एल बराबर हुआ, अब क्या करेंगे एफ एक्स बराबर के लिखेंगे, क्या लिखेंगे एफ एक्स इजक्वल टू कितना के एट कितना पर टू पर, तो एक्स के जगह पर आप इसमें टू पुट कर दीजिए हो जाएगा के, ठीक है ना। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस, यहाँ पर से एल एच एल बराबर कौन सा आर एच एल, अब बराबर कौन सा एफ टू, तो एल एच एल भी कितना फाइव निकला है आर एच एल भी फाइव है और एफ टू का मान क्या है के है, तो यहाँ से ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो इसको लिख सकते हैं ना के इजक्वल टू फाइव, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों क्वेश्चन देखो फिर से 20 नंबर के k के किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एक बार इसमें देखो जब ये बट्टा में है और यहाँ पर क्या है x माइनस थ्री है, थ्री पे पूछ रहा है, थ्री पुट करके देखोगे तीन तीन नौ माइनस नौ कितना जीरो है, नीचे में थ्री माइनस जीरो तो जीरो बट्टा जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो हो गया, इसका मतलब ये मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो एफ एक्स इक्वल्स टू कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, वो एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है, इस थ्री को सॉरी नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ एक्स माइनस थ्री सही है। अब कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी इन टू कितना ए माइनस बी, नीचे एक्स माइनस थ्री ये वाला कैंसिल आउट खत्म हो गया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बचा आपके पास एक्स प्लस थ्री बचा। अब इसी पे क्या क्या करेंगे हम LHL और RHL निकालेंगे, लेकिन फंक्शन कहता है कि कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब इसमें इस पे सिर्फ क्या निकालेंगे हम RHL या LHL दोनों में से कोई एक, लेकिन माइनस से बचने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग RHL यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिखिए RHL, RHL के लिए क्या फार्मूला, लिमिट h टेंस टू कितना जीरो, f कितना थ्री माइनस h की प्लस h, प्लस h क्योंकि RHL यूज़ कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो यहाँ x है, x की जगह पर क्या थ्री प्लस h पुट कर देंगे, प्लस इधर कैंसर है थ्री बाहर में है रहने दो, अब h की जगह जीरो पुट कीजिए, तीन या तीन कितना छः हो गया। अब एफ एक्स बराबर क्या के, अब x का वैल्यू कितना पर है ये थ्री पर, तो x की जगह थ्री पुट कीजिए, इधर तो x नहीं है तो इधर सिर्फ k हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूस, इसका मतलब कौन सा एल एच एल अब बराबर कौन सा होगा इधर आर एच एल, अब बराबर कौन सा इधर से एफ थ्री, तो एल एच एल का वैल्यू कितना सिक्स निकलेगा, आर एच एल भी सिक्स निकला है, इसीलिए एल एच एल भी क्या होगा सेम होगा, और एफ थ्री कितना निकला है आपके पास के है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना के इज इक्वल टू सिक्स, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के बेसिस पर, 21 नंबर है, एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, और यहाँ है थ्री, और इस वाले कंडीशन में कहता है एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स क्या है पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, यहाँ एक्स है पाई बाई टू के इक्वल है, कहता है इज कंटिन्यूस, यह कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर, कितना पर एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर, तब कहता है कि k का वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे इसी पे एल एच एल या आर एच एल निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर से लिखो सॉल्यूशन, पहले फंक्शन को लिख लीजिए, तो एफ एक्स इक्वल टू कौन सा k इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस कितना टू एक्स, किस पे बोल रहा है पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू प्लस एच या पाई बाई टू माइनस एच, हम क्या बोले पहले इस पे आर एच एल निकाल लो, तो आर एच एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ कितना पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो सब सही है यहाँ। अब यहाँ पर के भी ठीक है, तो कॉस अब पाई बाई टू प्लस पर करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू प्लस एच पुट कर देंगे, पाई बाई टू प्लस एच, और यहाँ पर पाई सही है माइनस टू है, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू और प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो लिमिट h टेंस टू जीरो अपनी जगह सही है, ये k भी सही है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, क्या होता है माइनस sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर से हो जाएगा पाई माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू पाई अपॉन टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू एच, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा देखो इधर लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ माइनस को बाहर निकालो तो k sin h हो जाएगा, यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई या माइनस टू एच, पाई से पाई कट गया, फाइनली लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ बचा के साइन एच और अपॉन कितना माइनस टू एच, ये से ये कट गया प्लस माइनस, माइनस माइनस कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो इस साइन एच को नीचे में एच लिख लो, ये के को अलग और बट्टा में कितना ए टू को यहाँ अलग कर दे, ये वाला फार्मूला से कितना हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा फार्मूला से वन, तो आर एच एल आपके पास क्या निकलेगा यहाँ पर ये वन हो गया, तो क्या निकलेगा वन इंटू कितना के बाई टू, तो ये फाइनली आपका निकला के बाई टू, ठीक है ना।
अब चलो LHL निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि LHL भी आपका सेम निकलेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तब K का वैल्यू निकालना है। तब यहाँ पर से देखो, अब F x इज कॉस टू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, किस पर, पाई बट्टा 2 पर। तो x के जगह आप इसमें पाई बट्टा 2 पुट कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूस, तो LHL बराबर कौन सा, RHL बराबर कौन सा, F जो पॉइंट पे पाई बाई 2 पे कह रहा है वो, तो चलो RHL कितना निकला, के बाई 2, तो LHL भी सेम निकलेगा, तो यहाँ हम के बाई 2 देंगे, यहाँ भी के बाई 2 और यहाँ हम 3 लिखेंगे, दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वल, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, के बार के बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट दिस वन फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बट्टा एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 0 इस क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर और साइन 1 बट्टा एक्स, LHL RHL इसी पे पुट करेंगे, निकालना पड़ेगा क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0, फार्मूला क्या बनेगा, 0 प्लस एच या 0 माइनस एच। तो पहले हम LHL देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ कितना, 0 माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 माइनस एच पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यहाँ लिखो साइन 1 बट्टा 0 माइनस एच, ठीक है ना, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच का होल स्क्वायर क्या देगा, एच स्क्वायर, यहाँ पर होगा साइन, ये कितना, माइनस 1 बट्टा एच, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1 बट्टा एच। अभी फॉर्मूला बताएं कि साइन का जो एंगल होगा ना उसी एंगल से डिवाइड लगना चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये और ये कट गया, ठीक है ना। तो अब लिमिट जो पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है, एच की जगह पर क्या, 0, और ये वाला पूरा फॉर्मूला से कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो माइनस 0 इंटू 1 कितना, ये तो सारा का सारा 0, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर h का वैल्यू यहाँ पुट कर, h का वैल्यू यहाँ पुट कर तो फिर इंटरटेनमेंट हो जाएगा फॉर्म, इसलिए क्योंकि सर जब साइन थीटा अपॉन थीटा रहेगा तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन रहेगा, टेन रहेगा, कॉस रहेगा, पर पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका कौन सा, 0। अब चलो, अब यहाँ रखेंगे RHL, क्या प्रूफ पुट करेंगे, अब हम RHL, तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ कितना, खाली यहाँ 0 प्लस एच कर देना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 अपनी जगह सही है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ 0 प्लस एच, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 से यहाँ कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन 1 बट्टा एच। फॉर्मूला पे लाने के लिए इसके एंगल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ई से ई वो कट गया, कितना हो जाए, देखो ये फार्मूला से कितना हो जाएगा 1, और एच के जगह 0, तो 0 इंटू 1 ये भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 0 लिखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या कहता है, 0 पुट करने, तो यहाँ बस सिर्फ एक्स की जगह 0, तो ये भी 0, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू तीनों क्या है, सेम है, यहाँ क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू कौन सा, RHL इक्वल टू कौन सा, F0, इसीलिए FX इज क्या है आपका, कंटिन्यूस एट x बराबर 0, और यही प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड, देखो कितना आसान था, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला में अगर दिक्कत हो रहा था, ये वाला फार्मूला जो थोड़ा सा कॉपी के ऊपर में जगह है उसको लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर कितना होता है 1, ये कहाँ पढ़ाए थे, 11th में, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इस कंटिन्यूस होगा, किस पे, 1 पर। देखो यहाँ एक्स के तरफ क्या है, मुंह फाड़े हुआ है, मतलब बड़ा है, इस पे हम लोग आर एच एल, इस पे एक्स के तरफ मुंह बंद है तो इस पे हम लोग एल एच एल, ठीक है ना। एक बार कन्फर्म कर लो क्वेश्चन, ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे, ठीक है ना, आगे चलो। तो पहले हम इसको उतारो, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस 1 लिखें,
इस पे क्या अप्लाई करेंगे हम RHL। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट H टेंस टू जीरो, F कितना, कौन सा पॉइंट है, वन पे पूछ रहा है तो वन प्लस H करेंगे, तो लिमिट H टेंस टू जीरो, X के जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर, वन प्लस H और प्लस वन, H के जगह जीरो पुट कर दो, यहाँ वैल्यू जो है यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस वन, ये हो जाएगा आपके पास टू, ठीक है ना। चलो अब दूसरा है एफ एक्स इज क्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, उतारो इसको, इस पे क्या है LHL, तो LHL के लिए फॉर्मूला लिखिए क्या होगा, लिमिट H टेंस टू जीरो, F कितना, वन है तो वन पे क्या हो जाएगा, वन माइनस H हो जाएगा, तो लिमिट H टेंस टू जीरो अपनी जगह सही है, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस H का होल स्क्वायर प्लस वन, H का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, चलो यहाँ हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन, यानी ये कितना टू। LHL और RHL बराबर है, अब देखो इक्वल का साइन किस में हुआ, इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ इस वाले फंक्शन को फिर से उतारेंगे x प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन है तो x के जगह पर आप यहाँ वन पुट कीजिए, ये वन प्लस वन, एफ वन इक्वल टू कितना टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखें, दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू क्या सेम है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कौन सा कंटिन्यूस एट एक्स बराबर वन, यहाँ पर लिख दीजिएगा LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कितना एफ वन, और यही प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इसी प्रकार से एफ एक्स इज क्वस टू दो फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री, और यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ है एक्स लेस देन इक्वल टू टू और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि यह जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वस टू टू, कितना पर, टू पर यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो देखो तो बताओ किस पे LHL और किस पे RHL, तो सर पहले वाले पे क्या है, मुंह बंद है एक्स के तरफ, तो इस पे क्या हो जाएगा LHL, इस पे क्या हो जाएगा LHL, इस पे क्या है एक्स के तरफ मुंह क्या फाड़े हुआ है, मुंह ओपन है, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका RHL, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, टू प्लस एच टू माइनस एच, ठीक है ना। तो देखो पहले वाला फंक्शन लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री, अब यहाँ क्या लिखेंगे इस पे LHL, तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ कितना टू माइनस एच, ठीक है। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो अपनी जगह सही है, यहाँ क्या है एक्स है तो यहाँ एक्स के जगह पर आप टू माइनस एच, क्यूब है तो यहाँ क्यूब और माइनस थ्री, एच का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो टू माइनस एच का होल क्यूब माइनस थ्री, और टू माइनस जीरो कितना हो जाएगा, टू का होल क्यूब माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा, दो दूना चार दूनी आठ माइनस तीन, ये कितना हो जाएगा फाइव, हो गया। चलो अब फिर से इस पे RHL होगा, इस वाले फंक्शन को अब लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ लिखेंगे हम RHL, RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू जीरो, f कितना टू और प्लस h, तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम टू प्लस h पुट कर देंगे, तो टू प्लस h का होल स्क्वायर प्लस वन, अब h की जगह जीरो पुट कर दो, टू प्लस जीरो का और स्क्वायर प्लस वन, टू प्लस जीरो टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो फोर प्लस वन, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये फाइव, तो LHL और RHL कितना निकला, फाइव निकला। अब चलो एफ एक्स बराबर इक्वल टू किस में है, इसमें लगा हुआ, तो ये वाले फंक्शन को फिर से आपको उतारना पड़ेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू क्या कहता है टू पुट करने के लिए, तो टू पुट कर दीजिए, दो दूना चार दूनी आठ माइनस इधर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फाइव, देखो यहाँ भी फाइव, यहाँ भी फाइव और यहाँ भी फाइव, तीनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHL इक्वल टू कौन सा RHL बराबर कौन सा, इधर से किस पॉइंट पर F2 पर ना फाइव निकला है, तो यहाँ लिख दीजिए F2 इक्वल टू, ठीक है ना, तीनों वैल्यू बराबर है तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूस एट एक्स बराबर टू, और यही आपको क्लियर है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों। 15 नंबर थोड़ा देखो, देखो ध्यान से, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है कब, जो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स बराबर ये सब कंडीशन दिया हुआ है फाइव, वेन एक्स लेस देन इक्वल टू टू, आपके बुक में यहाँ टू छूटा हुआ था टू लिख दीजिए,
एक्स प्लस बी टू लेस देन एक्स, एक्स लेस देन टेन और यहाँ पर है 21, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आपके पास दो पॉइंट, एक तो 2 है और एक है 10। तो पहले हम क्या करते हैं 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन और यहाँ पर करते हैं वर एट पॉइंट 2, किस पे 2 पर। तो 2 के लिए आप पहले क्या करो, इसको लिखो fx इज इक्वल टू कौन सा ax और प्लस b। 2 पे कर रहे हैं डिस्कस तो 10 को ढक दो, तो x के तरफ क्या हो गया मुंह ओपन, मुंह जब ये क्या हो गया x के तरफ मुंह ओपन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा RHL, x पर क्या निकलेगा RHL, तो यहाँ लिखिए RHL। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f कितना 2 प्लस h, ठीक है। अब देखो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 अपनी जगह सही है, a भी ठीक है, इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे हम 2 प्लस h और प्लस बी, ठीक है ना। आप देखो h का वैल्यू 0 पुट करो तो a इंटू 2 प्लस यहाँ क्या 0 प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 2a और प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर से 2 का वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ क्या है इक्वल लगा हुआ, तो इस पे क्या होगा सीधे लिखेंगे हम क्या यहाँ fx इज इक्वल टू कितना 5, x का वैल्यू क्या कहता है सीधे 2 पुट करना क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ ध्यान से देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL और ये F2 क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन FX इज क्या कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये वाला जो RHL का वैल्यू होगा इसके क्या होगा बराबर होगा। तो RHL का वैल्यू क्या 2A प्लस बी है, इधर क्या 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2A प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आया, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से हम पॉइंट 10 पर करते हैं, तो अब यहाँ लिखिए एट पॉइंट 10, देखिए तो 10 के लिए क्या हो जाएगा फिर से यही फंक्शन, आप एक बार इसको उतारिए एफ एक्स इज टू ए एक्स प्लस बी, 10 से मतलब है तो 2 को ढक दीजिए, एक्स के तरफ क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर इस वाले में मुंबंद है, मुंबंद तो 10 के लिए क्या हो जाएगा LHL, तो यहाँ हम LHL लिखेंगे। LHL का क्या फॉर्मूला, लिमिट एस टेन से 0 एफ, इतना लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गया, किस पे पूछ रहा है 10 पे, तो आप 10 माइनस एच कर दीजिए। फिर अगला स्टेप लिमिट एस टेंस टू 10 लिख के तैयार हो जाओ। अब क्वेश्चन में देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करो, तो ए तो सही है, उसके बाद एक्स की जगह 10 माइनस एच और प्लस बी उतार दीजिए, एच का वैल्यू क्या 0, तो 10 माइनस 0 और प्लस कौन सा इधर बी, ये क्या हो जाएगा 10 ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा LHL, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर क्या है कि इक्वल टू यहाँ है 10 वाले में, तो एफ एक्स बराबर क्या होता रहेगा 21, एफ एक्स बराबर 21, एक्स इज कॉस्ट क्या है इसमें इक्वल टू का 10 लगा हुआ है, यहाँ पर आप एक्स की जगह 10 पुट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोले थे कंटिन्यूअस होगा तो आप LHL और RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, अब इसमें दो कोनो एक निकाल लीजिए, आप एक इसमें निकालेंगे कि इस पे क्या हो रहा है 10 पे सिर्फ LHL यहाँ पर वैलिड हो रहा है, तो अब इस पे यहाँ पर निकालिए ये क्या हो जाएगा 10 ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो 10 ए प्लस बी इस कॉस्ट टू कितना ये 21, ये इक्वेशन सेकेंड, ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो देखो बी और बी का क्या है सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, इक्वेशन वन में से 2 को घटा दो, इक्वेशन वन माइनस सेकेंड यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी यहाँ हो जाएगा माइनस करो माइनस 10a या माइनस बी इस कॉस्ट टू कितना 5 माइनस 21, बी से बी कट गया 2 माइनस 10, 2a माइनस 10 है कितना होगा माइनस 8 है और यहाँ पर कितना होगा माइनस 16, ये कट गया तो a का वैल्यू कितना निकला आपके पास 2, a निकला 2, a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, यानी कि पुट a बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास 2a प्लस बी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 माइनस 4, बी इज इक्वल टू 1, ये आंसर और ये आंसर, क्लियर है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
बच्चों ये 15 नहीं, यहाँ 25 है ये, ठीक है ना। बच्चों क्वेश्चन है 27 नंबर में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज दिस वन। कहता है फंक्शन एपेक्स दिया हुआ, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो ए का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर से एपेक्स बराबर है ए साइन पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर है टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। एक्स की तरफ मुंह बंद है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, आप एल एच एल यूज़ करेंगे। एक्स की तरफ मुंह ओपन है, तो इसमें हम आर एच एल यूज़ करेंगे। तो पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, फंक्शन एपेक्स इसको टू कितना ए साइन पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, इस पर क्या लगेगा एल एच एल। तो एल एच एल का फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ कितना ज़ीरो माइनस एच, क्योंकि ज़ीरो पे कह रहा है कंटिन्यूस होगा। तो अब यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इतना लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गया। चलो अब क्या करो, क्वेश्चन में देखो एक्स की जगह ज़ीरो माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना वो पूरा उतर जाएगा, तो साइन पाई बाई टू, अब यहाँ देखो ज़ीरो माइनस एच और प्लस वन, ठीक है। अब चलो अब क्या कर देंगे, h का वैल्यू पुट कर दो, जीरो पहले से था जीरो हट जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ज़ीरो और प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा a sin पाई बाई टू, यहाँ कितना हो जाएगा सिर्फ वन, पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है वन, तो a इंटू वन, ये कितना निकला आपका वन, ये क्या निकला आपका एल एच एल, ठीक है ना। अब आर एच एल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले फंक्शन में आना पड़ेगा। तो एफ एक्स इजक्वल्स टू क्या है, टेन एक्स और माइनस साइन एक्स और अपॉन कितना इधर एक्स क्यू, क्या कह रहा है जीरो पर, एक्स की जगह जीरो पुट करके देखो, तो टेन जीरो 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 साइन जीरो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो 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 का क्यूब कितना होगा जीरो, तो ऊपर में भी जीरो और नीचे में भी क्या हो जाएगा जीरो, तो ऊपर नीचे जीरो मतलब मीनिंगलेस लिमिट में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे, उसके बाद लिमिट लगाओ, या नहीं तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले आर एच एल लिख लो, यहाँ लिखो आर एच एल। तो आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो और एफ कितना यहाँ ज़ीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ कितना हो जाएगा टेन एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो प्लस एच पुट कर दो, माइनस साइन एच है तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस एच, और यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास टेन एच और माइनस साइन एच, और नीचे में हो जाएगा आपके पास एच क्यू। देखो एच का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा टेन जीरो जीरो, टेन जीरो कितना जीरो, यहाँ भी साइन जीरो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो और नीचे में जीरो का क्यूब, तो जीरो बट्टा जीरो, और लिमिट में कभी भी जीरो बट्टा जीरो नहीं होता है, क्या होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ देखो, यहाँ हमने पुट किया h का वैल्यू, तो यहाँ पर जीरो बट्टा जीरो नहीं रहा, ये टर्म जीरो हुआ, यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया साइन पाई बट्टा टू, जीरो हो ये कितना हो गया वन, और यहाँ पर तो जीरो अपॉन जीरो हो सकता है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू h का नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो, टेन एच को हम साइन एच और अपॉन कितना कॉस एच लिख सकते हैं, और यहाँ रहा आपका साइन एच, और नीचे में है एच क्यूब, ठीक है ना। अब देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो अपनी जगह सही है, साइन यानी ऊपर में क्या हम कॉस एच कॉमन सॉरी एलसीएम ले लें, तो यहाँ हो जाएगा साइन एच और माइनस कितना इधर से देखो, तो साइन एच इन टू कितना कॉस एच, और नीचे में हो जाएगा कौन सा इधर एच क्यूब हो जाएगा। चलो देखो साइन एच यहाँ भी, साइन एच यहाँ भी, कॉमन ले लो, तो साइन एच कॉमन ले लिए, तो यहाँ वन माइनस कितना बचेगा कॉस एच, और यहाँ पर नीचे में कितना है कॉस एच है, तो कॉस एच को रहने दो, और नीचे हो जाएगा एच क्यूब। देखो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो अपने जगह सही है, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा यहाँ टेन एच, अब वन माइनस कॉस एच का क्या फार्मूला, तो वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एच है तो टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट आओ, यहाँ क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, देखो और नीचे में कितना है एच क्यूब है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टेन एच, यहाँ एच एक्स थोड़ी होगा, यहाँ एच होगा ना एच क्यूब, यहाँ भी एच क्यूब होगा,
तो यहाँ हो जाएगा टेन एच और अपॉन ई एच, कोई एक एच को यहाँ लिख लो तो स्क्वायर बचेगा, इसको यहाँ लिखेंगे, ये टू बाहर में रहने दो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई टू और यहाँ हम एच स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। देखो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टेन एच और अपॉन एच इंटू टू, और इन देखो दोनों का होल स्क्वायर है तो हम दोनों को एच बाई टू और यहाँ पर एच इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब क्या समझाए थे कि साइन का जो एंगल होगा उसी एंगल से डिवाइड लगना चाहिए, तो यहाँ एच बाई टू है यहाँ एच है तो क्या चाहिए आपको, ये फोर नहीं है ये एच है, क्या है ये एच है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तब ना देखो एच बाई टू होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टेन एच अपॉन एच टू, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर से साइन एच बाई टू और ये वाला एच बाई टू और होल स्क्वायर 42 लग रहा है ना, ये है एच है ठीक है ना, ई वन बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना ई वन बाई वन नीचे में टू इसको स्क्वायर में बाहर कर दिए ठीक है ना। अब देखो ये वाला फार्मूला से क्या हो जाएगा वन, ये भी फार्मूला से क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ क्या बचा एक टू बचेगा, यहाँ स्क्वायर ये कट गया तो यहाँ बचेगा वन इंटू कितना, यहाँ पर से ये भी कट गया, यहाँ कितना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर, यहाँ कितना वन बाई टू, तो फाइनली इधर कितना बचा ये वन बाई टू ठीक है ना। तो एल एच एल निकला ए और आर एच एल क्या निकला आपका वन बाई टू। अब है देखो इक्वल टू कौन सा है इक्वल टू, तो एक काम करो ना हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रब कर दें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो हम क्या करते हैं इसको रब करते हैं, देखो इसको यहाँ रब करते हैं, एल एच एल का वैल्यू कितना निकला है आपके पास ए निकला है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास एल एच एल का वैल्यू क्या निकला था ए निकला था ठीक है ना, क्योंकि एल एच एल और आर एच एल और इक्वल टू भी चाहिए ना। तो देखो इक्वल टू किस में, इस वाले फंक्शन में, तो इस वाले फंक्शन को फिर से उतारेंगे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे ए साइन कितना पाई बाई टू, कितना है पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, किस पे इक्वल टू ज़ीरो पर, तो एक्स के जगह पर ज़ीरो पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो एफ ज़ीरो, यहाँ ए साइन पाई बाई टू एक्स के जगह ज़ीरो प्लस वन ए साइन पाई बाई टू इन टू कितना वन साइन पाई बाई टू इन टू वन तो पाई बाई टू तो ए इन टू कितना वन, ये क्या हो जाएगा ये तो एफ ज़ीरो कितना निकला आपका ए निकला ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स इज क्या है आपका कंटिन्यूस, इसका मतलब एल एच एल और बराबर कौन सा आर एच एल और बराबर कौन सा एफ ज़ीरो, जिस पॉइंट पे कह रहा है तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो देखो एल एच एल कितना है ए निकाले थे, आर एच एल कितना है वन बाई टू है, और ये ए भी एफ ज़ीरो कितना है ये भी ए है, तो भाई दोनों तो ए ही है ना, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं वन बाई टू, यही आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 27 या 28 क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका सॉरी ये देखो 26 था, ये क्या था ये 26 था ठीक है ना। 27 में क्या है आपके पास, इसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएबल अभी पढ़े नहीं है, वो हम 9 का सी में पढ़ेंगे ठीक है ना। तो हम ये 27 नंबर क्वेश्चन 9 का सी एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है ना तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है ना। आप क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स का मूवी शेयर कर देते हैं, किसी का नंबर शेयर कर देते हैं, कोई मूवी लगा चलो देख देते हैं इसने, कोई मैसेज वो आ गया उसको शेयर कर, लेकिन काम का चीज़ शेयर नहीं करते, यही काम है। इससे क्या होगा कि आपका भी भविष्य बनेगा और आपके फ्रेंड्स का भी भविष्य बनेगा ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।